दिन भर की तपन के बाद अचानक हुई बारिश, मंडी में रखा क्विंटलों गेहूं हुआ गीला। नौतपा और रोहिणी की गर्मी में दिन भर चिलचिलाती धूप, 42 डिग्री से ऊपर तापमान, पसीने और गर्मी से बेहाल लोगों को सोमवार दोपहर पश्चात हुई लगभग आधे घंटे की बारिश ने काफी राहत पहुंचाई और पूरे वातावरण में ठंडक का माहौल छा गया। अचानक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नगर में कई जगहों पर गरीब लोगों द्वारा अपनी छतों पर पत्रे तथा कवेलू बदलने का काम किया जा रहा है और अचानक हुई बारिश से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी बारिश हुई। मंडी प्रांगण में पड़ा गेहूं भीगा। पेटलाबाद नगर में लगभग आधा घंटा चली बारिश ने स्थानीय मंडी प्रांगण में खुले आसमान में रखे हजारों क्विंटलों गेहूं पानी में गीले हो गए। सरकार प्रबंधों में कमी के चलते मंडी में रखे गेहूं परिवहन की कमी के चलते गोदाम में नहीं भेज पाए, जिससे यहां रखे गेहूं जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण बारिश की भेंट चढ़ गए। गेहूं गीला होने से सरकार को काफी नुकसान हुआ। मंडी सोसाइटियों के कर्मचारियों द्वारा पलिये बिछाकर सुरक्षित कर दिए थे, फिर भी अचानक हुई बारिश से जो गेहूं टीन सेट में जमा नहीं हो पाया था उन पर अचानक बारिश होने लगी और पानी का तेज बहाव होने के कारण गेहूं की बोरियां जो खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई थी वह गीली हो गईं।